तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक काफी नई चीज के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें एक शो रेकमेंड किया हुआ है जिसके होस्ट हैं इमरान अशरफ साहब। ठीक है, मुझे लगता है इसमें शायरी होती है क्योंकि टाइटल में मुझे शायरी ये वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस शो का नाम है मजाक रात। इसके बेस्ट मोमेंट्स के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ बेस्ट मोमेंट्स आप लोगों ने हमें रेकमेंड कर रहे हुए हैं, हम इन्हें देखने वाले हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमें इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मुझे थंबनेल देखकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि इमरान अशरफ साहब के एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर रहे हैं कि सामने किसी ने बहुत ही बढ़िया कुछ बोल दिया है। ठीक है, एक्साइटेड हूं मैं इस चीज के लिए। एक ऐसी चीज है जो अभी तक हमने कवर नहीं की और इसके बारे में मुझे पता नहीं था। आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो और कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसे ही नई नई चीजें हमें रेकमेंड करते रहो ताकि बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ सके आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल सभी चीजों को हम साइड पर रखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, पौने घंटे से आपके सामने। हाँ, देख रही हूँ। क्या बात, कैसा लगा शो में आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अरे वो हीरा मानी जैसी नहीं लग रही थोड़ी थोड़ी? 60% हीरा मानी। हीरा मानी, क्या कहना चाहिए? मैं शेर सुनाना चाहूंगी। चंगा हुंदा तेनू दिल ना देंदे, तेनू दिल ना दें दे। दिल दिता फिर टिल ना दें दे। तेरी थां कोई होर हुंदा, तेरी थां कोई होर हुंदा, कस्मे रब दी छिल ना दें दे। गन फायर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, आपकी दुआएं। बढ़िया सर, खुश रहे हैं, बाद रहे हैं सर। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूं और स्पेशल आपके शो पे आया। अरे वो बॉलीवुड मूवीज में काम, ओम शांति ओम में शाहरुख के फादर बने थे ना। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शेख साहब के लिए गाना गाना चाहता हूं। अरे गाएं गाएं। शेख साहब नाम है क्या? जान भी दे दूं तू कहे। अरे वाह। जाना तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। क्या बात है सर, बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर हैं हम आपको बहुत याद करते हैं, हमारा नाम रोशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शेख साहब। हमारी खुशकिस्मती आप आए, आपने इतना वक्त दिया और आपकी आंखों में खुशी नज़र आई हमें कि आप मुज़ाकरात में आपने इंजॉय किया। ये तो मैं खास, मैंने बहुत इंजॉय किया इमरान, और आपके लिए दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए दुआ है सर, खुदा करे कि आपकी आंख में कभी गम का आंसू ना आए सर। ऑन साहब हमेशा इस प्रोग्राम की टेस्ट का इख्तिताम अपने, ये कितनी प्यारी बात बोली ना, गम का आंसू। आज भी ऐसा ही होगा अगर आप इजाजत दें सर। माशाल्लाह, आइए सर। ओके, तो इसमें शायद वो मेन, हाँ इसमें शेर व शायरी होने वाली है मेरे हिसाब से। आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन करना। वैसे जो आगे हम बेस्ट मोमेंट्स देखने वाले हैं उनमें तो हमें पता चल ही जाएगा कि थीम क्या है। मजाकरात इसका नाम है लेकिन इसमें शायरी भी लिखा हुआ है टाइटल में। तो मेन इसमें वही चीज़ थी जो वो हीरा मानी जैसी दिखने वाली लड़की ने एक शेर कहा, बहुत ही प्यारा कहा उन्होंने, दिखने भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और शेर भी बढ़िया बोला उन्होंने, अच्छा था। ठीक है, हम आगे वाले बेस्ट मोमेंट पे चलते हैं, उसे देख लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको शो में मेरी 2-3 दफ़ा आप पे नज़र पड़ी, आप खो जाती हैं। जो लिखने वाला एक पर्सन होता है ना वो हमेशा इमेजिनेशन में रहता है। क्या और आपके लिए लिख के लाई हूँ तो आपको देख के मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं आपको कैसे सुनाऊंगी। लिखने वालों की बातें ही ऐसी होती है ना, ऐसा लगता है सिंपल बात भी डीप जा रही है। कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने मिक्स करके आपके लिए एक गजल एक नज़्म लिखी है। अच्छा। आपके तमाम जिन्होंने आपके तमाम सीरियल्स देखे हैं और आप भी, आपका यही काम है अपने अपने ड्रामास और अपने कैरेक्टर्स के नाम आइडेंटिफाई करने इसमें से। ओके इंटरेस्टिंग। तेरे दीदार की हसरत हमें यूं खींच लाई है कि संग अपने नजर करने को चंद आशार लाई है। मुश्किल आदम से दरो बाम महके जाते हैं, लफ्ज़ इनकार से सफाक सहमे जाते हैं,
गुलेराना हो के ताबीर हो या शहरे गुलेराना एक नाम आइडेंटिफाई हो गया। अखलाक कहें खूब हैं तेरे अंदाज, वाँ वाँ वाँ। मैं बस इतना कहूंगी कि मोहब्बत आग सी है। अच्छा। जिसे तुम इश्क हो समझे महज एक दिल लगी है। अलिफ अल्लाह में रानी से जो शामू न मिले, कहीं सिसकियां सुने और कहीं दीप जले, और तेरे नाम से जलती रहे शमाए दिल, लोग सहराओं में करते हैं फिरे रख से बिस्मिल, और किरदार वो टीपू का निभाया तूने, कैसे बनता है अदाकार बताया तूने, दिले वीरान में ये कैसी तूने हिद्दत भर दी, हो के शहदाई फिरू रांझा रांझा कर दी, अरे वाह से तेरी दिल का बुरा हाल बना, ये बढ़िया था, दिल में बुनती रही और हिजर जाल बना, क्या बात, तेरी चाहत में हम बदनाम बने आम हुए, आग बदले की लगी और नमक हराम हुए। अरे एंड तक आ गया ना, नमक हराम रिसेंट ही है तो बिल्कुल लेटेस्ट ड्रामा है। टू गुड, ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं रोता, सब रोते हैं, हम भी रोते हैं। आपने आज मेरी बर्दाश्त को चैलेंज किया, मैं आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान अशरफ साहब ने भी बहुत बढ़िया बोला। अरे ये फिर से क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फिर से देखिए एक बार, देख रही हैं, एक बार फिर से देखते हैं, कैसा लगा? ये इसमें फिर से इंक्लूड है क्या? आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। नाम? कमल अरशद। कमल अरशद जी जी, क्या कहना चाहते हैं? कमल अरशद, मैं शेर सुनाना चाहूंगी। चंगा हुंदा तेनू दिल ना दिंदे, दिल ना दिंदे, चंगा हुंदा तेनू दिल ना दिंदे, जे दिल दिता फिर टिल ना दिंदे, तेरी थां कोई होर हुंदा, तेरी थां कोई होर हुंदा, कसमे रब दी छिल ना दिंदे, उनका जिन्होंने वो सभी ड्रामास को मिलाकर एक पोएट्री कह दी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहा, बहुत ही खूबसूरत, और स्टार्टिंग से लेकर पूरा नमक हराम तक वो लेकर आए, और कितनी खूबसूरती के साथ कहा, एक फील के साथ कहा, ठीक है, लिखा तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जो डिलीवर करने का अंदाज़ था वो भी बहुत ही खूबसूरत था, और उसके जवाब में जो इमरान अहब साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि मर्द नहीं रोते, मैं रोते रोते आज बचाऊँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था यार। तो मतलब इस शो का, इसका थीम यही है क्या, लोगों से पूछा जाता है, या क्या चीज़ होती है इसमें, आप लोग मुझे बताना। अभी एक और बेस्ट मोमेंट है, हम उसे भी देख लेते हैं, उसमें क्या चीज़ दिखाते हैं, उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या चीज़ होती है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें थीम क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, ऐसे ही लोग आके शायरी करते हैं या कुछ और भी होता है। तो फिलहाल एक और बेस्ट मोमेंट है, हम उसे देख लेते हैं। ऑडियंस, हमारे प्यारे, हमारी जान, जिनकी वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुने? आपका नाम? मेरा नाम नूरबट। क्या पूछना चाहिए आपसे? सवाल है कि बहुत सारी लड़कियां आपको डीएम करती होंगी, आपको कैसी लड़की पसंद है? मुझे मेरे खालिक की पैदा की हुई हर लड़की पसंद है, हर लड़की अरे बहुत ही खूबसूरती से बात पलट दी। वो कुछ और पूछ रही थी। सोनिया, सोनिया क्या हाल है? सोनिया सर, आप सुनाए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अभी चलिए फिर। बिलाल सईद भी आए हैं। मेरा सवाल तो कोई भी नहीं है आपके लिए। सर मैं तो बस आपको एक पोएट्री डेडिकेट करना चाह रही हूँ। अरे कीजिए ना। तेरी एक मुस्कुराहट ने मेरे गम भुला दिए, एक मुस्कुराहट ने मेरे गम भुला दिए, तेरा हमेशा का मुस्कुराना मेरी जिंदगी बदल देगा। अस्सलामुअलैकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फाइन। कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा जो है ना वो सर बिलाल से सवाल है कि आपने लेट जो सिद्धू मूसे वाला था उसके साथ कोलैब किया, तो कब आएगा? क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज़ थी जी। जी, 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 जी।
असल में जो मूस्टेप एल्बम था सिद्धू का, उसमें एक गाना था जो मैंने और सिद्धू ने मिलके गाया, लेकिन उस टाइम पे वो गाना हम रिलीज़ नहीं कर सके। तो जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रिलीज़ करें ट्रैक। समहाउ मुझे अच्छा फील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मैं उस बंदे के साथ दोबारा खड़े नहीं हो सकता स्टेज पे, मिल नहीं सकता। okay. मिल के उस तरह गा नहीं सकते। तो वो लेटर ऑन शायद कभी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि उसको रिलीज कब करो। सर इमरान मजा आ गया है, मजा आया, मजा रात भी आके मजा आया। अरे अरे राजा राजा कर दी के बोला लग रहा ना। भाजी कमाल गल की थी और ये बंदे ने अपनी शादी तो 5 मिनट पहले भी नहीं यकीन होता कि मेरा हो रहा है। ओ क्यों अब शीशा में इनकार ही होना है, इनकार ही होना है। हैंडसम हैंडसम, यू लुक सो गुड, यू लुक सो गुड। बहुत बढ़िया यार। देखो यार एक चीज़, ये जो सिद्धू मूसेवाला की बात यहाँ पे छिड़ी है, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। अगर वो गाना मूस्टेप में था, अगर वो गाना मूस्टेप पे था, इसका मतलब उस गाने की राइट्स सिद्धू मूसेवाला के पास थे। अगर वो मूस्टेप में जाने वाला था तो ये डिसाइड उसके फादर कर सकते हैं कि वो ट्रैक कब आने वाला है। तो अगर वो गाना बिलाल के पास है तो मुझे लगता है उसके लिए भी जितने लोगों के पास भी सिद्धू के ट्रैक्स है ना, तो अब उनके फादर ही वो गाने निकाल रहे हैं और उनकी परमिशन के बिना वो गाने नहीं निकलते। तो पता नहीं क्या ही रीज़न रहा होगा बिलाल के साथ। हाँ ये न्यूज़ मैंने भी सुनी थी, लेकिन अगर वो मूस्टेप पर जाने वाला था तो वो सिद्धू का गाना था। तो पता नहीं यार क्या चीज़ रही होगी, वो तो खुदा ही बेहतर जाने और बिलाल से ही भी जाने। सिद्धू मूसेवाला तो अब आपको पता ही है। तो यार देखो इस शो के बारे में मैं एक चीज़ ना समझ पाया हूँ। या तो इसमें ये चीज़ होती है कि एक गेस्ट बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है, या तो ये चीज़ है। देखो बेस्ट मोमेंट तो सिर्फ एक ही चीज़ का आया जिसमें ऑडियंस से कुछ पूछा जा रहा है और वहाँ से कुछ शेयर, कुछ अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोगों के सामने। आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इस शो में होता क्या है, ठीक है, थीम क्या है इस शो का। कॉमेडी है, मजाकरात ना मैंने इसका, मजाकरात। आप लोग बताना यार कमेंट सेक्शन में कि इसमें पूरे शो में चीज़ होती क्या है। बेस्ट मोमेंट देखकर तो हमें यही लगा कि इसमें शायरी ही चलती है, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, करेक्ट कीजिएगा आप लोग। फिलहाल आज पहली बार हमने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा है। पहला इंप्रेशन तो बहुत ही बढ़िया था, खासकर लड़कियों ने ही ज़्यादा बोला, ठीक है, अच्छा ही बोला यार, सभी ने बहुत बढ़िया बोला फील के साथ। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।